बात ये हुई है कि हम लोगों की जितनी कंप्लेन है वो कंप्लेन ख़त्म होनी चाहिए, उनकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी वो पूरी करें। आज अपना ये बोलना है कि तुमको मालेगांव आए हुए 3 साल का अरसा गुजर गया, 3 साल के अरसे की जगह नहीं रहती, तुम तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, नया कनेक्शन नहीं दे रहे और सारा जो कायदे से होना चाहिए सेवा का जो जिम्मेदारी वो तुम पूरी नहीं कर रहे, और तुम सिर्फ वो नए कनेक्शन को लेकर के चोरी को लेकर के वसूली का ग्राफ बढ़ाने के चक्कर में सेवा तुम्हारी तरफ से मिल नहीं रही है, तो ये तकलीफ तो रहेगी एक बात। दूसरी बात, तुम्हारा ऑफिस वहाँ पर है, वो ऑफिस इधर आना चाहिए, और फिर जो है जो ऑफिस मर्ज कर दिए अपने तो ये तुम जो है ऑफिस बढ़ाओ, आदमी बढ़ाओ, जितनी भी कंप्लेन शिकायत है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होनी चाहिए, ये होगा तो मामला ठीक रहेगा। और अगर तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करोगे और ये चाहोगे कि भाई तुम जो चाहो वो करो कुछ भी करो, तो ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑफिस इधर लाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करो, आगे रमज़ान है, ईद है, कारखानेदारों को मज़दूरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त, तरावी के वक्त तो पावर रहना चाहिए, और अगर नहीं रहेगा तो मसला रहेगा। कैसा रात में लोग जागेंगे, सुबह सोएंगे, गर्मी का मौसम है, तुम पावर नहीं रखोगे तो लोग सो नहीं पाएंगे, 11 बजे तनाज़ा होगा, मसला बढ़ेगा। अब मजबूरी यह है कि तुम 20 साल के लिए यहाँ आए और हमारा शहर है, ना हम शहर छोड़ के जा सकते हैं, ना तुम जो है 20 साल से पहले तुम जाएंगे, तो जब मिलजुल कर रहना है तो वातावरण ख़राब मत करो। इस तरह की बातचीत हुई है और अपने एडिशनल एसपी साहब ने जो है बहुत दबा करके उनको कहा है कि भाई तुम करके दो, ये शिकायत ख़त्म हो जाए।